नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और स्वराज सेहत के साथ मैं हूं रश्क गौरी। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना कहर बरपा रहा है। हमारे देश में 2,18,000 से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हैं या यूं कहें संक्रमित हैं। मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना वायरस के संक्रमण से सर्दी खांसी जुकाम जैसे सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। लेकिन कुछ संक्रमित मरीजों में इस तरह के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अब देश में अनलॉक होने के बाद हम सबके सामने इस बड़ी बीमारी से बचने की चुनौती है। हालांकि थोड़ी थोड़ी सी सावधानियां बरतने से हम खुद को, अपने परिवार और हमसे जुड़े हुए सभी लोगों को महफूज रख सकते हैं। तो चलिए स्वराज सेहत में आज चर्चा करेंगे कि कैसे सभी इस वायरस से बच सकते हैं। और इसी बेहद ही खास विषय पर मौजूद हैं आरकेजीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पारुल चौधरी जी, जो होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर पारुल चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। डॉक्टर पारुल जी, हम लगातार जिस तरह से कोरोना को लेकर देख ही रहे हैं कि ये जो महामारी है इसने कहर बरपा के रखा है, और इस महामारी में होम्योपैथी क्या रोल अदा कर रही है और क्या रोल अदा कर सकती है? जी, होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ सिस्टम जो है वो बेसिकली सिम्टम सिमिलैरिटी पर काम करता है, लक्षणों के आधार पर। आप कोविड के अलावा भी जितने पहले जो हमारे इन्फेक्शंस हुए हैं, महामारी हुई है, बेसिकली एंटीवायरस जो हुई है, एंटीवायरस जो बीमारियां हुई हैं वो सब, उनमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन को हम कारगर साबित हुई हैं। इसलिए क्योंकि वो सिम्टम पर आधारित है, तो सिम्टम या लक्षण जो है बीमार के वो हम ठीक करते हैं और उसके आधार पर हमारा केस टेकिंग की जाती है। तो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन सिम्टम्स को या लक्षणों को देती है, ना कि डिजीज को। तो हम, देयर इज अ सेइंग इन होम्योपैथी, होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो बीमारी के नाम से हम पेशेंट को ठीक नहीं करना चाहते या उसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते, जबकि उसके लक्षण ही हमारे लिए मुख्य प्रायोरिटी रहते हैं। साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आप अपने टेलीविजन साइट पर इस वक्त जो टेलीफोन नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, आप इन फोन नंबर पर हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर पारुल चौधरी आपके तमाम उन सवालों का जवाब देंगी जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। डॉक्टर पारुल, होम्योपैथी इम्यून सिस्टम पर किस तरह से प्रभाव डालता है, और अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम की तो ये कैसे, मतलब होम्योपैथी दवाओं के जरिए इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल हम, आप लोग, हर कोई इम्यून सिस्टम का नाम सुन रहा है। आज के पहले किसी ने इम्यून सिस्टम पर इतना गौर नहीं किया होगा जो अब हम कोरोना काल में कर रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम, या हम उसको इस तरह से समझे, रोग प्रतिरोधक तंत्र हमारे शरीर का, जो कि बीमारियों से या किसी भी फॉरेन बॉडी से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ता है। तो उसको हम अपने होम्योपैथी लैंग्वेज में, बिकॉज मैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी की टीचर हूँ, इसलिए होम्योपैथिक फिलॉसफी जो है वो बेस्ड है जीवनी शक्ति पर, यानी इम्यून सिस्टम का एक होम्योपैथिक नाम जिसको हम वाइटल एनर्जी या जीवनी शक्ति कहते हैं। तो हमारा जो बिलीफ है कि पेशेंट को हम ठीक करते हैं, ये हम कैसे बोलते हैं, हम बीमारी को ठीक नहीं करते, बीमार को ठीक करते हैं। तो बीमार यानी पेशेंट, और पेशेंट जो है उसके अंदर जो जीवनी शक्ति या जिसे आप इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो जब बैलेंस बिगड़ जाता है उसका, तो हमें बीमारी के लक्षण दिखते हैं। वो कोई भी, किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, वो किसी भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, वायरस बोल लीजिए आप, बैक्टीरिया बोल लीजिए आप, और कोई भी कारण हो सकता है बीमार का। तो बीमार इसलिए होता है क्योंकि उसकी वाइटल एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है। वो बैलेंस कम हो सकता है, जैसे एलर्जीज देख लीजिए आप, है ना, या फिर हाइपर एक्टिव पेशेंट्स हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स हो जाते हैं। तो वो जो बैलेंस बिगड़ा उसको हम
ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारी जो होम्योपैथिक फिलॉसफी है या जो कंसेप्ट ऑफ डिजीज या पेशेंट्स को ठीक करने का जो हमारा मेन मंत्र आप कह लीजिए वो है उस इम्यून सिस्टम को या जो जीवनी शक्ति है उसको सुदृढ़ करना, उसको स्ट्रांग करना। तो हमारी जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो सेंटर या सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाइटल एनर्जी या वाइटल फोर्स को ध्यान में रखकर ही दी जाती हैं। तो जब वो हम सेंटर को ध्यान में रखकर दवाई देते हैं तो वो पेशेंट जो भी बीमारी से सफर कर रहा है उन सब में वो कारगर सिद्ध होती है। कहा जाता है कि ये जो हमारे साथ कॉलर जुड़ गए इस वक्त चावा से मोहित हैं। मोहित जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम नमस्ते, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और उसके साथ किसी दूसरी बीमारी की अगर कोई दूसरी मेडिसिन भी ले रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट वगैरह हो सकता है? वो डिपेंड कर रहा है आप मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि आप मेंटेन करते हैं, जैसे बीपी है ना, डायबिटीज है, तो ये भी एलोपैथिक दवाइयां जो हैं आपके शरीर में एक निश्चित मात्रा को बैलेंस करने के लिए आप ले रहे हैं, तो उनके साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उनको विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, जाहिर सी बात है मोहित, एहतियात बरतना होगा, जिस तरह से डॉक्टर पारुल चौधरी ने आपको जो सलाह दी है उस पर अमल करना होगा आपको। और जिस तरह से मैं आपसे पूछ रही थी डॉक्टर कि ऐसे मिथ भी है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत लंबा वक्त लगता है, उसके बाद ये असर करती है, क्या ये सही है? और अगर सही है तो फिर क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ इंस्टेंट रिलीफ देती हैं और होम्योपैथिक के लिए यही कहा जाता है कि ये थोड़ा सा वक्त लेती है, उसके बाद असर करना शुरू करती हैं। जी नहीं, ये आपने बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन पूछा है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा टाइम लेती हैं? तो ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने होम्योपैथी मेडिसिन, जैसा मैंने कहा, सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पर सही आपने होम्योपैथी सिलेक्शन करा है मेडिसिन का, होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो निश्चित तौर पर वो आपको तुरंत आराम देखने की काबिलियत रखती हैं। ऐसा नहीं है कि जो टाइम लगाएंगी ही, वो डिपेंड करता है बीमार पे, बीमारी होने में तो हमने इतना टाइम लगा दिया और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको ठीक हम जल्दी से कर ले, तो वो बीमार और बीमारी, जैसे मैंने कहा हम पेशेंट को ध्यान में रखकर मेडिसिन देते हैं, कुछ पेशेंट्स की जिसको आप इम्यूनिटी बोलते हैं कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की नॉर्मल होती है या डिस्टर्ब है, तो वो कितनी तादाद में है, उसमें पैथोलॉजी कितनी डेवलप हो गई, कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि मेडिसिन जो दी गई है वो कैसा वर्क करेगी, कब तक ठीक करेगी। वही अगर हम बात करें होम्योपैथिक की, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए वाकई में कारगर हैं, जिसकी तरफ शायद इस वक्त किसी का ध्यान नहीं जा रहा हो? होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, इम्यून बूस्टर्स कह सकते हैं हम, क्योंकि कोरोना जो है अभी तक एंटी वायरस हमारे पास कुछ है नहीं और उसका कोई वैक्सीन या मेडिसिन हम कह नहीं सकते, तो जितने मेजर्स हमारे हैं यानी कि जो बचाव के हमारे मेजर्स हैं उनको हमें ध्यान में रख के, प्लस होम्योपैथिक जिसको आप एलोपैथिक मैनेजमेंट बोल सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो आपको साथ में देना चाहिए। तो बहुत सारे जो लक्षण हैं कॉमन फ्लू के, जैसे सर्दी जुकाम है, तो उसमें कुछ मेडिसिन हैं जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन हैं, जैसे एकोनाइट है, आर्सेनिक एल्बम का आपने नाम जरूर सुना होगा, आयुष विभाग ने हमको बताया है, तो बेलोडोना है, इन्फ्लुएंजा की मेडिसिन जैसे कि आप जलसीनियम बोल सकते हैं, इपिटोरियम पर्फ है, पहले भी आपने सुना होगा डेंगू में बहुत अच्छी मेडिसिन ने काम किया, तो हम सिम्टम को ध्यान में रख के जो मेडिसिन हमारी हैं उनको हम देते हैं। माइल्ड या मॉडरेट जो केसेस हैं जिनमें कुछ सिम्टम्स हैं कि सीवियर नहीं है, सिम्टम सीवियरिटी नहीं है, तो उनकी मेडिसिन अलग होती हैं, इनिशियल स्टेज की हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन अलग होती हैं, और निश्चित तौर पर वो लक्षणों के आधार पर हम देते हैं तो हमको 100% रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम जब स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो पहले हमने देखा था कि लोगों का रुझान एलोपैथिक दवाइयों की तरफ था, फिर उसके बाद आयुर्वेद की तरफ पहुंच गया, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो स्किन से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो अब होम्योपैथिक की तरफ रुख कर रहे हैं। जी, स्किन अगेन आपने बहुत अच्छा, जो हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आज के सिनारियों में हमें इन जनरल हेल्थ को लेना चाहिए, अब बीमार की बीमारी क्या है और वो किस लेवल का है वो, उसको ये इतनी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो, और है अवेयरनेस डेवलप हो गई है कि भाई ये बीमारी है तो आप एलोपैथी पे जाइए, ये बीमारी है तो आप होम्योपैथी पे जाइए, ये बीमारी है तो आप आयुर्वेद में जाइए, इतनी जनरल अवेयरनेस एक फैल चुकी है। और स्किन ऐसा हमारे यहाँ है कि जिसमें आपको होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा परमानेंट या जिसे हम कह सकते हैं क्योर के हमारे बहुत सारे केसेस देखे जिनमें बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि वो सप्रेस नहीं करता, वो
जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। वही मैंने कहा कि पेशेंट को ध्यान में रखकर हम देते हैं जब दवाई, तो वो निश्चित तौर पर ठीक करती है, तो वो स्किन में भी उतना ही इफेक्टिव पाई गई है। जी, तो वही डॉक्टर फारूल, अगर हम बात करें लॉकडाउन के सिनेरियो को लेकर, तो लॉकडाउन खुलने के बाद बाजार, दफ्तर, जितने भी ऑफिस आए, वो सब अब ओपन हो गए हैं और उसी रूटीन के साथ अब काम हो रहा है। अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए और कैसे खुद को सेव किया जा सकता है? जी, लॉकडाउन खुलना के बाद जो है हमारी चुनौती, या हमें कहना चाहिए कि चैलेंज जो है हमें ज्यादा है, क्योंकि अब हम लोग लॉकडाउन को पार करके इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि अपने जीवन को भी हमें सुचारू रूप से बढ़ाना है और कोरोना से भी फाइट करना है। तो सबसे पहला मैं कहूंगी कि कोरोना के डर को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक आप कोरोना के डर को अपने साथ रखेंगे, आप पब्लिक में या सर्वाइव नहीं कर सकते। एक तरह से आप कैच कर रहे हैं बीमारी को, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो दिमाग से हटा दीजिए कि इसका कोरोना जो है वो जानलेवा है, या मैं मर जाऊंगा, कोरोना हो जाएगा। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये अपने मिथ हटा दीजिए। दूसरा, जो आपको बताया गया है, गवर्नमेंट इतना ज्यादा हमको अवेयरनेस फैला रही है, पुलिस क्या आप सक्रियता देखिए, तो जो वो कह रही है उन मापदंडों को आप निश्चित तौर पर अपनाएं, उसको मजाक में लाइफ में ना ले। क्योंकि ये जनरल बात है कि जब आप अपने रूटीन में जाएंगे, अभी तक तो लॉकडाउन में थे तो बाहर जाने से हम सबको डर लग रहा था, सही माने, लेकिन अब जैसे हमारी वर्किंग शुरू हो गई है, तो हम वर्किंग को ध्यान में रखें या कोरोना को बचाव के जो हमें मापदंड दिए गए, जैसे मास्क है या हेल्थ हाइजीन है, हैंड हाइजीन है, उसको ध्यान में रखना है। कितना रखें, अब काम करें कि ये करें, दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर जो अभी उभर के और आएगा। मतलब तो हमें हैबिचुअल हो जाना चाहिए कोरोना के साथ रहने के लिए, उससे कैसे उसके साथ लाइफ को जीना है, इसको लेके हमें हैबिचुअल हो जाना चाहिए। रांची से एक कॉलर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, विनय। विनय जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, विनय जी, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल कीजिए अपना। नमस्ते मैम, मेरा सवाल डॉक्टर मैडम से है। दरअसल मैं इंदौर में रहता हूँ और यहाँ पर कोरोना संक्रमण काफी ज्यादा फैला है, तो मेरा खून का जो टेस्ट है पिछले 4-5 दिन से मुझे थोड़ा बदला लग रहा है, तो क्या मुझे कोरोना की जांच करानी चाहिए? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे मेरा खून का टेस्ट थोड़ा बदला लग रहा है। जी, इसके साथ में आपको कोई और गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, डलनेस, वीकनेस, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो आपको वेट करना चाहिए, अभी तुरंत टेस्ट के लिए नहीं जाना चाहिए। और आप किसी ऐसे संक्रमण वाले स्थान पे गए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति से आप मिले हैं, अगर ऐसा है तो जरूर आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करनी चाहिए और जाना चाहिए। एहतियात बरतिए विनय जी, जो डॉक्टर पारुल जी आपको बता रही हैं कि थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद भी अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आप डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। इस वक्त उबाली जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, रेगुलर कस्टमर हैं ये, रेगुलर हमारे कॉलर हैं जो हमें कॉल करते हैं। उबाली जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नमस्ते मैडम, मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से दादा उबाले बात कर रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ऐसा है कि बहुत लोगों का कहना है कि आप चाहे कितना भी सैनिटाइजर लगा लो और उसके बारे में कितना भी सबको बता दो कि सैनिटाइजर लगाना चाहिए, फिर भी सैनिटाइजर लगाने से कोरोना के विषाणु नहीं मरते, ऐसा सब लोग। तो मेरा आपसे पूछना है कि सैनिटाइजर लगाने से कोरोना विषाणु नहीं मरते है क्या, इसके बारे में बताइए मैडम। ठीक जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सैनिटाइजर को लगा लिया तो हम निश्चिंत हो गए। बहुत सारे मापदंड, जैसे मैंने बोला कि सैनिटाइजर आपने लगा लिया तो आप कोरोना प्रभावित क्षेत्र में चले जाएं, ऐसा नहीं है, है ना। बचाव आपको करना है जितना आप ज्यादा हो सके। सैनिटाइजर लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा तो ये आप बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपने कोरोना संक्रमित पेशेंट से डायरेक्ट आप इंटरेक्ट हुए क्या, तो आपको क्वारंटाइन होना ही है। आप सोच लीजिए सैनिटाइजर लगा लिया तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, उसकी एक अवधि है निश्चित कि उस इतने समय के बाद वो जो है कोरोना वायरस आपके सरफेस से या हाथ से चला जाएगा। तो बेस्ट है सैनिटाइजर के साथ साथ आप साबुन हाथ धोते रहें एक एक घंटे में, वो सबसे बेस्ट है। बहुत
बहुत शुक्रिया दादा साहब उबाले जी हमें कॉल करने के लिए। होशंगाबाद से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर, गढ़वाल साहब है। गढ़वाल जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। धन्यवाद जी, सवाल कीजिए। कोरोना से कोई परमानेंट इलाज वैसे अभी है नहीं, तो उसका इलाज देखा जाए तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने से हम कोरोना से बच सकते हैं। तो हमें ऐसी क्या चीजें लेना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो? ठीक जी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या डेवलप करने के लिए सबसे पहली बात, एक दिन में आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाएगी। बहुत सारे आपके जो व्यायाम है, दिनचर्या आपको अपनी रूटीन रखना पड़ेगी, आपको डाइट ऐसी लेना पड़ेगी या खान पान में ऐसी चीजें लेना पड़ेंगी। सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊं कि जहां आप रहते हैं वहां पे जो सीजन आपका चल रहा है, हमारे होम्योपैथिक हमारे इंडियन कल्चर में ये बहुत आपने देखा होगा कि जो दादी नानी हमारी खाती थी या जो वो बताते कि इस मौसम में ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे चारों मौसम है, तो जो सीजनल सब्जियां फल जो आते हैं उनको हमें जरूर लेना चाहिए। साथ में हमारे दिनचर्या जो है वो फिक्स होनी चाहिए, फिक्स रूटीन जो है आज की नीड बन गया है। कोरोना से फाइट करने में बहुत बड़ा हथियार एक हो रहा है जो कि एक दिनचर्या सही रहे, हमारी फिक्स रहे, हम प्रॉपर नींद लें, हम प्रॉपर डाइट लें, हम प्रॉपर आराम करें, हम हाइजीन और हेल्थ का ध्यान रखें। बाहर हम आए, घर से बाहर आए तो हमारे पैर धोना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए। तो जितने कोरोना के मेजर्स हैं उनके साथ में आपको अपनी दिनचर्या पर भी उतना ही काम करना पड़ेगा। प्राणायाम, जैसे आप कोरोना वायरस को आपने देखा कि वो ऑक्सीजन कमी या रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे आप स्ट्रांग बना सकते हैं, आप प्राणायाम कीजिए जिससे कि आप फ्रेश वायु, फ्रेश ऑक्सीजन आपके शरीर में जाए, तो डेफिनेटली आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या फिक्स रखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि इस वक्त आप अपने टेलीविजन सेट पर जो फोन नंबर देख रहे हैं, आप इस वक्त हमें इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। डॉक्टर पारुल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना के साथ जो और जो समस्याएं हैं उसका निदान कैसे हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तरुण शर्मा जी हैं। वरुण शर्मा जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी, मेरा ना डॉक्टर पारुल से ये प्रश्न है, कोरोना से हमको डरना है या अपने आप को बचाव करना है, कैसे कर पाएंगे? ठीक जी, ये आपका क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्वलंत है। जैसा मैंने बोला, लॉकडाउन खुलने के बाद हमें अपने वर्किंग प्लेसेस पे जाना है, तो अब हम डरें या अपना काम करें, तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था, हमारी मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। शरीर और मन हमारा जब तक साथ नहीं होंगे तब तक हम इस जंग से लड़ नहीं सकते। लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, तो उसमें हमें जीतना है। हम तभी जीत सकते हैं जब हम उस डर पर काबू पा लेंगे। और सबसे मैंने बोला सबसे इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथिक हमारी जो फिलोसफी, वो भी इन ऑल माइंड बॉडी एंड सोल, तीनों का मिक्सचर होता है ह्यूमन बीइंग। तो हम एक को लेकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हमें माइंड का भी, सोल का भी और बॉडी का भी, तीनों का हमें जो है कंज्वाइंट इफेक्ट लाना है, तभी हम आगे इस फाइट को लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया शरू जी हमें कॉल करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक और कॉलर जुड़ गई हैं, लंदन से जुड़ी हैं तनुप्रिया शर्मा जी। तनुप्रिया जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। थैंक यू सो मच डॉक्टर पारुल, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी जैसे हम हमारे आसपास कितनी सारी कोरोना की न्यूज और ट्रीटमेंट के बारे में चल रहा है और हमें ये भी पता है कि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं मिली है अभी तक, तो मुझे ये जानना था कि क्योंकि हमको तो नहीं पता कि किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है और कैसे रिकवरी नंबर हमें मिलते हैं इंडिया के, वो कैसे रिकवर हो रहे हैं, तो उनको किस मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जा रहा है, ये आप थोड़ी जानकारी पूछेंगे? ये मैं बताना चाहूंगी कि जो सिम्टोमेटिक मैंने ट्रीटमेंट की बात कही थी कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास कोई परमानेंट मेडिसिन नहीं है, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो, हम ये क्लेम अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है कि ये क्लेम करें कि ये उपाय है या उपचार है कोरोना का, नो डाउट। लेकिन जो पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे हैं एलोपैथी भी वही कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज द कि पेशेंट को हम सही नींद दें, उसको गर्म पानी पीने के लिए बोला जा रहा है, उसको जूसेस, विटामिन सी जो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है वो दे रहे हैं हम, उसका डाइट जो है वो हम प्लान कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स के साथ में जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है, यानी सर्दी जुकाम हुआ तो उसकी दवाई दे दी हमने, उल्टियां हो रही हैं, नौजिया वोमिटिंग है तो उसकी दवाई दे दी हमने, पेट ठीक नहीं है तो
इसके हमने मेडिसिन दे दी, इस तरह हमको जो हमें दिख रहा है उसको तो हम ट्रीट कर सकते हैं ना, वही हम कोरोना के साथ भी कर रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कोरोना का इलाज क्या है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स पेशेंट में आ रहे हैं वो हम ठीक कर सकते हैं, उनको एक क्रिटिकल स्टेज में जाने से हम रोक सकते हैं, और इसमें होम्योपैथी बिल्कुल 100% कारगर है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। खुशबू जुड़ गई हैं बेंगलुरु से। खुशबू जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हाय डॉक्टर पारुल। हेलो जी। कि जैसे हम सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो क्या कोरोना फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में फैल सकता है? और बाहर आप कुछ इसके प्रिवेंटिव मेजर्स बता सकती हैं क्या? जी, ये जो हमारा बड़ा चैलेंजिंग है कि घर में हम सामान ला रहे हैं, बिना सामान लाए तो हम रह नहीं पा रहे, चाहे वो फल हो, सब्जी हो या और ग्रोसरीज हो, तो वो सब चीज़ों को हमें ला के एकदम से कांटेक्ट में नहीं आना। आप छुएंगे ज़रूर तो अपने हाथ पहले धोइए, उनको स्टोर करने के पहले आप बाहर रखिए, और बेहतर है कि नमक के पानी से बेकिंग सोडा डालकर आप गर्म पानी से उसको धो पाएं तो बहुत अच्छी बात। कोई भी सामान चाहे वो फल हो, सब्जी हो या पैकेट्स हो, उन सबको बिना वॉश किए पानी से, गर्म पानी से, नमक के पानी से, और अगर आप पॉलिथीन या ऐसा कुछ है तो आप सोप से भी उसको धोकर रख सकते हैं। मेक इट अ हैबिट कि आप कोई भी सामान लाएं उसको बिना धोए इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, क्योंकि अपने आप गाइडलाइंस देखी होंगी आपने भी कि इतने घंटे तक कोरोना सरफेस पे रहता है, मेटल पे सबसे ज्यादा सर्वाइव करता है, तो जो गाइडलाइंस है उनको ध्यान से समझिए और अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाइए बिना डरे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल करने के लिए। आगरा से कॉलर जुड़ गई हैं रेखा वर्मा जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना रेखा जी। मैडम मेरे को ऐसा है कि जैसे मैं मतलब सब्जी लेने जाती हूँ, सब्जी वाले खेल से सब्जी लाती हूँ जी, हाँ तो जैसे सब्जी की आती वैसे मैं घर पे, मेरे को 15 दिन से फीवर आता है, तो कभी फीवर आ जाता है कभी उतर जाता है, और मैं मतलब क्या करते जैसे सब्जी लेके आती हूँ उस दिन मुझे बुखार आता है और मतलब मेरे हाथ पैर टूटते हैं, और जैसे घर पे रहती हूँ तो सही रहती हूँ, और मार्केट जैसे सब्जी लेके या मार्केट जाती हूँ उस दिन मुझे फीवर आता है और मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक बिल्कुल, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कब से हो रहा है आपके साथ में, और बुखार के अलावा और क्या सिम्टम्स हैं, जैसे आप 15 दिन से बोल रही हैं तो साथ में कोई और सिम्टम बढ़े क्या कि नहीं बढ़े, ये आपको जज करना पड़ेगा, तब आप इससे इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए मुझे कि सब्जी लेने जा रहे हैं तभी आप बुखार आ रहा है और घर आ रहे हैं तो ठीक हो जा रहा है, तो आप और लक्षण इसके साथ में क्या है उस पर आप जरा गौर करिए और डॉक्टर की सलाह लीजिए, सबसे बेस्ट यही कहूंगी मैं। बहुत शुक्रिया रेखा जी कॉल करने के लिए। राज जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हेलो डॉक्टर जी। मैं ये बोल रहा था जो गवर्नमेंट मध्य प्रदेश ने जो पाउच दी है जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो पाउडर दी है जी, तो वो जैसे गर्भवती महिला है वो उसका सेवन कर सकती है? ठीक, पूछ लेते हम डॉक्टर साहब से जी। ये आयुष मंत्रालय के द्वारा जो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए जो पाउडर दिए गए हैं तो क्या वो गर्भवती महिलाएं ले सकती हैं, इनका सवाल ये है जी। ये आपका क्वेश्चन आप एक आयुर्वेदिक, क्योंकि पाउच उन्होंने मेडिसिन होम्योपैथिक का तो मैं बात कर सकती हूँ कि बिल्कुल दे सकते हैं आप जो मेडिसिन दी गई है आर्सेनिक एल्बम 30, लेकिन आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से आप कंसल्ट करके फिर ही लें। तो राजीव जाहिर सी बात है क्योंकि आपका सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद संवेदनशील है, इसलिए डॉक्टर से जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनसे आप जरूर कंसल्ट कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और उनकी सलाह के मुताबिक ही उस घोल को जिस गर्भवती महिला के रिगार्डिंग आपने ये सवाल किया है उनको दीजिए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर एक और कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ उज्जैन से, शशि। शशि जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम हम लोग अभी 12th बोर्ड एग्जाम करानी है मध्य प्रदेश में, हम लोग शिक्षक के रूप में वहाँ काम करेंगे जी। तो हम ये चाह रहे थे कि हम लोग ऐसी कौन सी दवाई प्रिकॉशंस के रूप में लें, क्योंकि बच्चे हम लोगों के साथ आएंगे वहाँ पर, और बच्चे हम लोग जो दूसरे प्रिकॉशंस है वो तो रखेंगे ही रखेंगे, पर कुछ ऐसा मेडिसिन जो हम अपने साथियों के साथ ले सके प्रिकॉशंस के रूप में, मैं वो मेडिसिन डालना चाह रहा हूँ बेटी में जी। आर्सेनिक एल्बम 30 जो है आयुष मंत्रालय द्वारा एज अ रोकथाम के लिए इम्यून बूस्टर के तौर पर, इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन बोली गई है,
तो वो खाली पेट आप 3 दिन जैसा आप मार्गदर्शन दिया गया वैसा लीजिए, और साथ में जैसा मैंने कहा कि आप अपनी जो रूटीन है, फिक्स जो आप दिनचर्या है उस पर भी ध्यान दीजिए, और प्राकृतिक चीज़ें जो हैं जैसे तुलसी है ना, और आपकी गर्म पानी है, जो मेजर्स हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो पाए, इसका पूरा आपको आपकी जनरल हेल्थ, कोई बीमारी आपको ऐसा तो नहीं है तो आप प्रॉपर उसकी जांच करा लीजिए, नहीं है और अगर हो सकती है तो आप अपनी जनरल हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए क्या क्या करते हैं, तो वो सारे मापदंड आप अपनाइए मेडिसिन लेने के साथ में। सिर्फ मेडिसिन लेने से काम नहीं बनेगा, आप मेडिसिन लेके निश्चिंत हो गए और आप मेजर्स जो बोले गए हैं रोकथाम के लिए, बचाव के लिए, वो नहीं अपना रहे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको कोविड ना हो या फैले ना। तो आप सबसे पहले जो गाइडलाइंस दी गई है कि आप किसी संपर्क में संक्रमित व्यक्ति के तो नहीं आए, कहीं आप ऐसी भीड़ भाड़ वगैरह जहाँ पे जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए, ये सारी चीजें आप फॉलो करते हुए लो सोशल डिस्टेंसिंग जो टर्म अपन यूज कर रहे हैं कि वो आप मेंटेन करिए, और बच्चों को भी आपको बताना पड़ेगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने बताई उसके साथ में ये सारी चीजें आपको करना पड़ेंगी और करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बेंगलुरु से एक कॉलर जुड़ गई है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, सुनीता दुबे जी। सुनीता जी बहुत स्वागत है, संक्षेप में आप अपना सवाल कीजिए। बच्चों के लिए अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि स्कूल खोल सकते हैं, तो अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को क्या प्रिकॉशन देना चाहिए, क्योंकि बच्चे थोड़े केयरलेस होते हैं, स्कूल में जाएंगे भूल जाते हैं मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी, बच्चों को सबसे पहले तो आप उनकी डाइट पे विशेष ध्यान रखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग समझना पड़ेगा कि आप अपना बच्चों नींद पूरी ले रहे हैं और डाइट अपनी पूरी रही है, ऐसी न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए जो मैंने जैसे बताया पहले भी कि सीजन के हिसाब से है ना, और प्रिवेंटिव जो मेडिसिन मेजर्स आपको बताए गए वो तो आपको फॉलो करना ही है, जैसे मास्क लगाना है, बच्चों को ये समझाना ही पड़ेगा। और बच्चे ये आज इतना सुन रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो इनसे अनभिज्ञ होंगे, वो भी चाह रहे हैं, वो भी घर में लॉकडाउन होते हुए जो है वो बोर हो गए एक तरह से, तो वो भी उनको भी चाहिए कि वो मेजर्स को अपनाएं, जिस तरह से उनको एक पोएट्री सिखाई जाती है उस तरह से ये कोविड 19 के मेजर्स रटाने पड़ेंगे। और शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए डॉक्टर पारुल, क्योंकि वक्त बेहद कम बचा हुआ है, हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को एक अच्छी हेल्थ और एक बेटर लाइफ के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन मैं कहूंगी कि हम लोगों की लाइफ इस कोविड 19 ने शफल कर दी है, एज इफ ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल रोटेट हो गए, वी जस्ट व्हाट दिस हैपेंड इट इज अ पॉज इन अवर लाइफ, तो ये हमें एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए, और इससे लड़ने के लिए या इसको सतर्क रहने के लिए हमें सारे वो इंतजाम करने चाहिए जो हम कर रहे हैं, और उसको अपनाना चाहिए उसको, ना तो लॉकडाउन खुल जाने से हमारी पटरी पे जैसे ही नॉर्मल लाइफ आएगी तो उससे हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, जो जिसकी पूरी संभावना है, तो लापरवाही हमें बिल्कुल नहीं बरतनी है और डरना भी नहीं है, दोनों ही चीजें हमारे साथ में चलना है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हम हैं हम तो ये मान लेंगे लेकिन हमारे सामने वाला उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, जैसे हमारे कलीग्स हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हमें इतनी डेयरिंग होनी चाहिए कि हम उन्हें समझाएं, ये एक ह्यूमैनिटी और एक पूरी कम्युनिटी और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक किसी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जो हम आज पहले भी मैंने कहा कि हमारी जो दिनचर्या है किस तरह से नहीं कहना चाहिए बट वेस्टर्न कल्चर से जो है वो अफेक्टेड हो गई थी, तो हमें दोबारा अपने गांव की तरफ या जैसा कहना चाहिए कि अपनी जड़ों की तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ स्वास्थ्य सेहत में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।